देखें, जब मैंने प्लांट लगाया था, रिपोर्टिंग की थी, तो यहाँ पे कोई मॉर्निंग ग्लोरी का, जिसे हिपोमिया भी कहते हैं, इसका कोई पौधा जो है वो ऑलरेडी ग्रो कर गया था। तब ये काफ़ी बड़ा हो गया, इसके ऊपर कोई जाला वगैरह भी लगा हुआ है। अभी मैं इसको रिपोर्ट करने वाला हूँ। रिपोर्ट मैं किस में करूँगा, ये एक बड़ा सारा पोट है मेरे पास 14 इंच का, तो पहले तो इसको भी निकालने का सोचते हैं कि इसको यहाँ से कैसे निकाला जाए। यहाँ पर थोड़ी सी मैं जगह बना लूँ पहले इसके लिए, फिर मैं जो है वो आगे की तरफ मूव करूँ। यहाँ पर ये मैंने सहजने का पौधा लगाया था, पर शायद ये अब चल नहीं पाया, तो ये आप शायद देख रहे होंगे, तो इसको निकाल लेते हैं ऐसे करके, देखते हैं कि चला है या नहीं चला। तो ये देखें, इसकी बिल्कुल जड़ें ड्राई और खुश्क हो गई हुई हैं, तो आप ये देखें, है ना। तो इसको मैं ऐसे करके निकाल लेता हूँ, यहाँ पे ये थोड़ी सी जगह बन जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, तो ये देखें आपकी अच्छी खासी मेरे पास जो है वो जगह बन गई है यहाँ। और इसके अंदर ऑलरेडी मैंने खादें वगैरह डाली हुई थी, तो मैं इसमें मज़ीद खाद वगैरह तो नहीं डालने वाला। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर सकूं तो मैं देखता हूँ, इसको मैं नीचे भी नहीं करता, बस यहीं पर ऐसे ही रहने देता हूँ। काफ़ी मैंने जो है वो ऐसे करके खोद लिया, ठीक है। अब है मसला इसको निकालने का, तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा देखता हूँ इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा पहले जड़ से काटने की कोशिश करता हूँ, ये टूट ना जाए। तो मैं यहाँ पर से इसको ऐसे करता हूँ कि ये इसके अंदर डालता हूँ, ये ऐसे करके, और अब मैं इसको खींच लेता हूँ यहाँ से, खींचने की कोशिश। काफ़ी बड़ा पता नहीं क्या, ओहो नाइस। तो ये देखें, ये रूट बॉल काफ़ी खूबसूरत सा है, आपको शायद नज़र भी आ रहा होगा इसकी रूट्स। तो ये देखें, तो ये मैं इसके अंदर अब ऐसे लगाने लगूँ, बस ऐसे करके, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे करके, और इसके ऊपर जो है मिट्टी डाल दे। इसको मैंने साइड पर थोड़ा सा ऐसे किया, यहाँ से जो अभी मैंने मिट्टी यहाँ से निकाली थी वही इसके अंदर डाल देते हैं, ऐसे करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ले जी, हमारा ये हाइपोमिया या फिर जो मॉर्निंग ग्लोरी है उसका पौधा बड़े अच्छे तरीके से लग गया। तो ये देखें जी, अब इसको काफ़ी ग्रो करने के लिए बेहतरीन मौका मिल जाएगा, और अब होपफुली इसको मैं किसी के साथ बांध दूँगा ताकि ये बेहतर तरीके से जो है वो ग्रो कर सके। तो ये देखें, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करते हैं, साइडों से ही मिट्टी है, इसको दबा देते हैं। तो लें, और अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा जो है वो पानी दे देता हूँ ताकि ये अपनी ग्रोथ वगैरह जो है बढ़ा सके। और बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कोशिश करें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अस्सलामु अलैकुम।